दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि आज यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हमारे देश के दो हिस्से हुए थे, जहां एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं दूसरा हिस्सा भारत के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं जमीन और देश के साथ साथ किन चीजों का बंटवारा हुआ था और किन किन चीजों को भारत में रखा गया, किन किन चीजों को पाकिस्तान अपने संग ले गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह बंटवारे के वक्त एक एक चीज को लेकर बांटने की अलग अलग रणनीति लगाई गई, तब जाकर चीजें थोड़ी बहुत संभली, वरना तो जिस तरह खून खराबा हो रहा था उसे देखकर नहीं लगता था कि वो कभी रुकने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 3 जून 1947 यही वो तारीख थी जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ, क्योंकि इसी दिन तय हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल जाएगी, जहां आजादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब दुविधा ये थी कि किन किन चीजों का किस किस तरह से बंटवारा होगा, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन यह बंटवारा इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जमीन से लेकर दरिया और दरिया से लेकर पानी तक हर चीज का बंटवारा होना था। दोस्तों भारत पाकिस्तान के बंटवारे का यह किस्सा आजादी आधी रात को नामक किताब में अच्छे से बताया गया है, और आज हम उसी किताब की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एचएम पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। दोस्तों उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद यानी कि पार्टीशन काउंसिल के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष खुद लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से, और सबसे पहले कांग्रेस ने देश के नाम के तौर पर भारत को चुनने की बात कही, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना नाम पहले से ही सोच रखा था। यह दिक्कत भारत और हिंदुस्तान के बीच आ रही गड़बड़ी की थी, और ऐसे में कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जगह भारत नाम को प्राथमिकता दी। हालांकि इस बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा तू तू मैं पैसों को लेकर हुई, जहां झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एचएम पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में बंद कर दिया गया, और उनसे तब तक बाहर आने को नहीं कहा गया जब तक वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाते हैं। और कई दिनों तक सोचने और विचारने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेज सरकार से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के नाम और 20% हिस्सा पाकिस्तान के नाम कर दिया गया। दोस्तों फिर क्या था, भारत में मौजूद हर सरकारी दफ्तर के मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेन तक की गिनती होनी शुरू हो गई कि किस तरह इन सभी चीजों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर चीजों का बंटवारा होगा तो बहस तो छोटी सी बात है, लड़ाइयां तक छिड़ जाएंगी, और यहां भी वही हुआ। कई सारे खून तो केवल ये मेरा है कहने में ही बह गए थे। हालांकि एक चीज के पीछे कभी बहस नहीं हुई, और वो थी शराब, क्योंकि जितनी भी शराब थी वो भारत के हिस्से में आई, और इसके बदले में जितना भी धन था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। यही नहीं दोस्तों, भारत को 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील की सड़कें और 26,441 मील की रेल लाइंस में से 7,112 मील की रेल लाइनें पाकिस्तान के नाम पर कर दी गई। हालांकि इस विषय में विवाद तब हुआ जब इससे जुड़ी हुई मशीनरी वगैरह किस तरह से विभाजित होंगी, क्या 80 और 20 के हिसाब से इनका विभाजन होगा, या फिर जिसके हिस्से जो आया है वो उसे हिसाब से इस मशीनरी और बाकी चीजों को अपने साथ ले जाएगा। वैसे तो बंटवारा किताबों का भी हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर दोनों ही मुल्कों में बहस छिड़ गई, जहां पर किताबों को इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत के नाम होता है, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान के, फिर तीसरा खंड फिर से भारत को दे दिया गया, और ये तरीका इसी तरह चलता रहा, यहां तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्द कोश को भी आधा आधा फाड़ कर
दोनों देशों के नाम कर दिया गया। हालांकि बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया और वो था भारत का गुप्तचर विभाग, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि हर एक चीज के बंटवारे को सहलेंगे, लेकिन इसका नहीं, इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, पाकिस्तान एक नया मुल्क बन चुका था, तो जाहिर सी बात है उसकी एक नई करेंसी भी छपी थी, लेकिन उस समय भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसे भारत ने पाकिस्तान को साझा करने से मना कर दिया, और इसी चीज के चलते पाकिस्तान को भारत की करेंसी में अपनी मोहर लगाकर कुछ समय तक चलाना पड़ा। दोस्तों, बंटवारे का जुनून इतना ज्यादा चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान ये तक चाहते थे कि ताजमहल को छुड़वाकर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। यहां तक कि हमारे हिंदुओं की भी मांग थी कि सिंधु नदी कैसे भी करके भारत के नाम ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिंधु नदी ही वो जगह है जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे। ऐसे में सिंधु नदी को हम पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा नाटकीय विभाजन हुआ वॉइस रॉय के अस्तबल में हुआ, क्योंकि इस अस्तबल में 12 घोड़ा गाड़ियां थी जिसमें सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वॉइस रॉय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर कराई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रूपहली थी, और इन 6-6 गाड़ियों के सेट को तोड़ना भी सही नहीं था, जिस वजह से विभाजन के वक्त सिक्का उछालकर ये तय करने की कोशिश की गई कि किसके हिस्से सुनहरी गाड़ी आएगी और किसके हिस्से रूपहली। लेकिन जब सिक्का उछलकर जमीन पर गिरा तो भारत के अफसरों के चेहरे खुशी से झूम उठे, क्योंकि सुनहरी गाड़ियां भारत के हिस्से में आ चुकी थी। लेकिन एक और दिल पसीज देने वाला बंटवारा होना अभी बाकी था, जहां पर भारतीय सेना में काम कर रहे मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को यह तय करना था कि वो पाकिस्तान की सेना को ज्वाइन करना चाहेंगे या अपनी मातृभूमि अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि हिंदुओं और सिखों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन मुसलमानों के गले से निवाला नहीं उतरा था जिन्हें अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा था। ऐसे में कई सारे मुसलमानों ने अपने देश की मातृभूमि के लिए लड़ना सही समझा और कई ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। ऐसे में दोस्तों, जिन मुसलमानों ने भारत के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, हमारा चैनल उन्हें आज भी सलाम करता है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।